सो हैव गाइस वेलकम बैक टू द चैनल दिस इज ऋषभ जसवाल एंड यू आर वाचिंग टेक्नो ब्लॉगर। तो आज के वीडियो में मैं लेके आया हूं बेस्ट 5 लैपटॉप्स एंड 25,000 जहां पे एकदम बजट सेगमेंट रेंज है और यूजुअली लैपटॉप का स्टार्टिंग इसी सेगमेंट से आपको देखने को मिलता है। यहां पे कमाल के 5 लैपटॉप का मैं यहां पे लिस्ट लेके आ गया हूं, सबके बारे में बात करेंगे और उसमें सबसे बेस्ट लैपटॉप आपके लिए कौन सा होगा वो भी हम जानेंगे। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए सो लेट्स बिगिन। जहाँ पर ये जो 25,000 का सेगमेंट है इसमें यूजुअली उतनी भी अच्छे वैल्यू फॉर मनी लैपटॉप हमें देखने को नहीं मिलते हैं क्योंकि उसके लिए आपको थोड़ा और बजट ऊपर लेके जाना होगा। बट तो भी मैंने कुछ अच्छे पैकेज के साथ आने वाले लैपटॉप इस लिस्ट में लेके आ गया हूँ जहाँ पे आप वीडियो पूरा एंड तक देखना। हम पांचों लैपटॉप के बारे में बात करेंगे और स्किप बिल्कुल भी मत करना। मे बी जो पांचवें नंबर पे लैपटॉप है, चौथे नंबर पे लैपटॉप है, वो भी आपके लिए परफेक्ट हो सकता है और मे बी आपको फर्स्ट और नंबर वाला लैपटॉप उतना पसंद ना आए तो इसलिए पूरा देख लेना। और मल्टीपल ब्रांड्स के आपको इस लिस्ट में ऑप्शन भी देखने को मिल जा रहे वाले हैं। तो हम पांचवें नंबर से स्टार्ट करेंगे फिर नंबर वन पे जाएंगे जहाँ पे लिस्ट मेरे हिसाब से है। अगर आपको कुछ यहाँ पे अलग लगता है या आपको लगता है कि कोई और दूसरा लैपटॉप आगे होना चाहिए तो आप ज़रूर से कमेंट करके रिकमेंड मुझे कर देना। बाकी हम पांचवें नंबर से स्टार्ट करते हैं जहाँ पे पांचवें नंबर पे यहाँ पे आसूस की तरफ से क्रोम बुक है जस्ट हाल फिलहाल में लॉन्च हुआ है। 1.69 केजी का काफ़ी हल्का सा यहाँ पे लैपटॉप है जहाँ पे ये क्रोम ओएस के साथ में आता है, ऑब्वियसली क्रोम बुक है जहाँ पे इसमें आपको इंटेल सेलेरॉन डुअल कोर प्रोसेसर देखने को मिल जाता है जो आपको 2.4 गीगाहर्ट्ज़ तक का क्लॉक स्पीड दे देगा। 15.6 इंच का फुल एचडी डिस्प्ले लेके आता है। इसका एक एचडी डिस्प्ले वाला वेरियंट भी है जिसका प्राइस और भी ज़्यादा कम है तो आप उसे भी चेकआउट कर सकते हो। बाकी फुल एचडी डिस्प्ले है और वो भी टच स्क्रीन डिस्प्ले अपने साथ लेके आता है जो इस बजट सेगमेंट में बहुत ज़्यादा कमाल बात है। और इसके इसी टाइप के कुछ फीचर्स के लिए मैंने इसे अपने लिस्ट पर है, वरना ये बाकी सारे लैपटॉप्स के आगे कुछ भी है उतना भी खास नहीं अगर प्रोसेसर को देखे। बट इसमें कुछ सारे ऐसे तगड़े तगड़े फीचर्स हैं जो हमें काफी एक्सपेंसिव लैपटॉप्स में भी देखने को नहीं मिलता, जिसमें से एक टच स्क्रीन है और फुल एचडी डिस्प्ले भी इस सेगमेंट में देखने को यूजुअली नहीं मिलता है। तो वो अगेन यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे प्ले कर रहा है इसी लैपटॉप में इस लिस्ट में होने के लिए। जहाँ पे 4GB रैम है, 64GB स्टोरेज लेके आता है। स्टोरेज ऑब्वियसली कम है क्योंकि ये एक आपका फोन का OS जैसा आप समझ सकते हो, आप इसमें एप्स वगैरह जो डालोगे बहुत ज़्यादा वो स्टोरेज के नहीं होंगे तो इसलिए 64GB स्टोरेज तो आपके लिए ठीक ठाक सही होगा। और अगर आपको और ज़्यादा लगेगा तो आप हार्ड डिस्क भी यूज़ कर सकते हो। जहाँ पे ये EMMC स्टोरेज टाइप का ये स्टोरेज है, जहाँ पे अगर मैं आपको EMMC को एकदम शॉर्ट में एक्सप्लेन करूँ तो जैसा आपका पेन ड्राइव का स्टोरेज होता है आपको वैसा कुछ देखने को मिलेगा। फ्लैश टाइप स्टोरेज होता है बट SSD जैसा फास्ट नहीं होता, आपको कुछ हार्ड डिस्क जैसी स्पीड देखने को मिलता है बट एक फ्लैश टाइप स्टोरेज होता है जिस टाइप का SSD होता है। जहाँ पे इस लैपटॉप में आपको डुअल बैंड वाईफाई 5 भी यहाँ पे देखने को मिल जा रहा है, चिकलेट कीबोर्ड भी है, 180 डिग्री फ्लिप ये हो सकता है, अगेन एक कमाल फीचर इस सेगमेंट में जो यूजुअली ज़्यादा देखने को नहीं मिलता है। फिर जब USB 3.2 फर्स्ट जन यहाँ पे पोर्ट लेके आता है, आपको टाइप ए टाइप सी दोनों देखने को मिल जाता है। इथरनेट पोर्ट शायद इस लैपटॉप में नहीं, ऐसा कुछ मेंशन नहीं है। और ये क्रोम ओएस लेके आता है ऑब्वियसली, और 10 घंटे तक का बैटरी बैकअप का क्लेम है पर तो भी आपको 8 घंटे तक मिल जाएगा और इतना ज़्यादा बैटरी बैकअप अगेन क्रोम ओएस के कारण मिल रहा है जो विंडोज जैसा बैटरी यहाँ पे कंज्यूम नहीं करता है। जहाँ पे क्रोम ओएस है ऑब्वियसली आपको बहुत सारे लिमिटेशन मिल जाएंगे, बहुत सारे आप जो विंडोज में काफ़ी अच्छे अच्छे सॉफ्टवेयर होते हैं वो आप यहाँ पे यूज़ नहीं कर पाओगे। बट अगर आप ऑनलाइन क्लासेस के लिए, मीटिंग अटेंड करने के लिए एक लैपटॉप ढूंढ रहे हो कुछ बेसिक वर्क के लिए तो वो सारी चीज़ें आप इसमें कर पाओगे। बहुत सारे सॉफ्टवेयर के, विंडोज सॉफ्टवेयर के अल्टरनेटिव्स भी हमें यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं क्रोम ओएस में, तो आप वो सब भी डाउनलोड कर सकते हो और काफ़ी अच्छे तरीके से ये भी आपके लिए काम कर जाएगा इस बजट सेगमेंट को देखते हुए। और बहुत सारे जो टच स्क्रीन हो गया, ये हम बात कर रहे हैं फुल एचडी डिस्प्ले का या 3.2 जेन पोर्ट का, 180 डिग्री फ्लिप का, ये जो पूरा बहुत सारा पैकेज है यहाँ पे पैक कर दिया गया इस क्रोम बुक में, इसे बहुत ज़्यादा कमाल बना देता है इस सेगमेंट में। इसके प्राइस के बारे में बात करें 24,999 में आपको फ्लिपकार्ट में देखने को मिल जाएगा और 25,000 में बहुत सही डील है। अगर आप एचडी डिस्प्ले में जाते हो तो आप और कुछ 3,000 रुपये या 4,000 रुपये शायद आपको वो कम में मिल जाएगा, तो आप उसे भी चेकआउट कर सकते हो अगर आपके लिए डिस्प्ले उतना ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं है। बाकी क्रोम ओएस है थोड़ा बहुत लिमिटेशन है जिसके कारण ये पांचवें नंबर पे है, वरना ये शायद थोड़ा और आगे होता अगर ये विंडोज में होता। जहाँ पे उसके अंदर पड़ते हैं हमारे चौथे नंबर वाले लैपटॉप में जो आता है एसर की तरफ से, ये है एसर एक्सटेंसा 15 जहाँ पे कुछ 1.9 kg इस लैपटॉप का वेट है, जहाँ पे 15.6 इंच का एचडी डिस्प्ले ये लेके आ जाता है। कोई फुल एचडी डिस्प्ले नहीं है जैसा आपको क्रोम बुक में मिल रहा था, बट वो भी ठीक है यार, विंडोज के साथ में आपको कुछ चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ेंगी।
बाकी AMD का डुअल कोर प्रोसेसर लेके आया था जहाँ पे आपको 2.6 GHz तक का आपको यहाँ पे क्लॉक स्पीड देखने को मिल जाएगा। बाकी 4GB रैम है जो इस सेगमेंट में बहुत ज़्यादा कॉमन है, आपको सभी लैपटॉप में 4GB रैम ही मिलेगा इस सेगमेंट में। बाकी 1TB हार्ड डिस्क लेके आता है तो आपको काफ़ी ज़्यादा वास्ट स्टोरेज यहाँ पे देखने को मिल जाता है जो बहुत अच्छी बात है। इस सेगमेंट को देखते हुए अगर आपको बहुत ज़्यादा स्टोरेज रखना है जैसे कि फोटोज़ वगैरह वीडियोज़ वगैरह जो आप अपने फ़ोन में स्टोर नहीं कर पा रहे हो और उसके लिए एक लैपटॉप ले रहे हो कि आप अपने फ़ोन को बैकअप कर सको और अपने स्कूल का और कॉलेज वर्क की सारी चीजें कर पाओ तो बहुत सही है लैपटॉप यहाँ पे बन जाता है। बाकी विंडोज 10 लेके आ जाता है जो अगेन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे इसमें क्रोम OS था इसमें विंडोज 10 है जो बहुत सारे फीचर्स लेके आता है। बाकी डुअल स्पीकर है, बाकी और यहाँ पे आपको कुछ 9 घंटे का बैटरी बैकअप मिल जाता है, कंपनी ऐसा क्लेम करता है। ऑब्वियसली उतना नहीं मिलेगा, 6-7 घंटे अगर तो भी मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है इस सेगमेंट को देखते हुए। बाकी सारे टाइप के पोर्ट्स तो यहाँ पे आपको नहीं मिल रहे क्योंकि इसमें सी टाइप अवेलेबल नहीं है। बाकी इथरनेट पोर्ट आपको देखने को मिल जाता है। और बाकी अगर हम उसके प्राइस के बारे में बात करें तो 26,999 रुपीज़ में यानी 27,000 के अंदर आपको अमेज़ॉन में देखने को मिल जाएगा। इनफैक्ट अमेज़ॉन में बहुत सारे कार्ड्स ऑफर भी रहते हैं तो इससे आप चाहे तो 1,750 रुपये तक ऑफ भी करा सकते हो, तो आपको कुछ 25,000 के आसपास ये लैपटॉप मिल जाएगा एंड बहुत सही डील है उस प्राइस में। अगर 27,000 में मिल रहा है तो भी मेरे हिसाब से काफ़ी सही यहाँ पे डील बन जाता है क्योंकि आपको विंडोज 10 यहाँ पे मिल रहा है और उसके साथ में यहाँ पूरा पैकेज भी अच्छा खासा ही है। बट इससे भी बेटर लैपटॉप चाहिए तो मेरे हिसाब से आपको आगे लिस्ट पूरा और देख लेना चाहिए। जहाँ पे हम बढ़ते हैं हमारे तीसरे नंबर वाली लैपटॉप है जो है अविता की तरफ से, अविता एसेंशियल रिफ्रेश, जहाँ पे 1.37 kg का सबसे लाइट वेट लैपटॉप हमारे पूरे लिस्ट का, 14 इंच का फुल HD यहाँ पे डिस्प्ले लेके आ जाता है, वो अगेन काफ़ी अच्छी बात है। बाकी इंटेल सेलेरॉन प्रोसेसर लेके आता है, डुअल कोर है और 2.8 GHz तक का आपको यहाँ पे क्लॉक स्पीड मिल जाएगा, 8 GB रैम है, 256 GB SSD स्टोरेज लेके आता है जो अगेन इस सेगमेंट में बहुत ज़्यादा रेयर है। बट आपको यहाँ SSD मिला, स्टोरेज भले कम है जो आप हार्ड डिस्क से अगर फ्यूचर में आपको और लगे एक्सटर्नल हार्ड डिस्क से काम चला सकते हो, बट SSD मिल रहा है जो आपको लैपटॉप का परफॉर्मेंस बहुत सही दे देगा। बाकी विंडोज 10 लेके आ जाता है, 3.0 यहाँ पे पोर्ट देखने को मिल रहा है, कोई इथरनेट पोर्ट नहीं है, कोई सी टाइप पोर्ट नहीं है जो अगर होता तो थोड़ा बेटर होता, बट इस सेगमेंट में बहुत सारे कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़ते हैं। बाकी 6 घंटा का बैटरी बैकअप का कंपनी का मेंशन है, जहाँ पे मेरे हिसाब से कंपनी जो भी बैटरी बैकअप बताती है आप उससे 2-3 घंटा कम ही कर दो, उतने ही आपको यूजुअली मिलता है, तो आप 3-4 घंटा एक्सपेक्ट कर सकते हो उस लैपटॉप से। बाकी प्राइस के बारे में बात करें तो 21,990 रुपीज़, 22,000 का लैपटॉप है। अगर कार्ड वगैरह आपके पास है जो उसके ऑफर्स चल रहे हैं तो ये आपको 20,000 के आसपास मिल जाएगा, तो 25,000 के सेगमेंट में और भी कम, 20,000 के आसपास में 5,000 का डिफरेंस जो आपको मिल रहा है तो बहुत सही डील बना देता है। SSD मिल रहा है 20,000 के आसपास में तो बहुत बड़ी बात है, मेरे हिसाब से बहुत सही वैल्यू फॉर मनी ये लैपटॉप लेके आ जाता है। जो एक इशू हो सकता है वो मे भी हो सकता है कि आपको अविता ब्रांड उतना ट्रस्टेड ना लगे, अविता ब्रांड यूजुअली यार बहुत लोग प्रेफर नहीं करते हैं, तो बस एक ब्रांड का ही मे बी आपको एक प्रॉब्लम हो सकता है, एक इशू हो सकता है, बट तो भी ये 1.5 साल का वारंटी लेके आता है, बाकी सारे लैपटॉप 1 साल का लेके आता है तो वो भी अगेन एक बड़ी बात है, बट अगर तो भी आपका ब्रांड प्रेफर्ड नहीं है तो वो एक यहाँ पे इशू हो सकता है। बाकी और भी कुछ 6 लैपटॉप लिस्ट में है तो हम आगे बढ़ते हैं फिर दूसरे नंबर वाले लैपटॉप के साथ में जो है लेनोवो V15, जहाँ पे 1.85 kg का ये वेट वाला लैपटॉप है। और इनफैक्ट ये वही लैपटॉप जो मैं अभी यहाँ सामने यूज़ कर रहा हूँ और इसका मैंने अनबॉक्सिंग वगैरह भी करके रखा, आप जाके देख सकते हो, बट मैंने इसका हायर वेरिएंट राइजन 5 के साथ जो आता है उसका अनबॉक्सिंग किया है, बट इसका पूरा जो आपको बिल्ट डिज़ाइन है वो ऑब्वियसली सेम देखने को मिलता है, बस इंटरनल में प्रोसेसर अलग है, ये रैम स्टोरेज स्पेक्स अलग है, तो आप उस अनबॉक्सिंग को भी देख सकते हो, थोड़ा आपको आइडिया मिल जाएगा क्या चीज़ है, क्या पैकेज आपको इस लैपटॉप में देखने को मिलने वाला है। बाकी इसमें आपको 15.6 इंच का HD डिस्प्ले मिलता है, AMD एथलॉन का यहाँ पे प्रोसेसर मिल जाता है जो अगेन एक डुअल कोर प्रोसेसर है, और आपको 3.3 GHz तक का क्लॉक स्पीड देखने को मिल जाता है जो हमारे पूरे लिस्ट का सबसे हाईएस्ट है, सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस आपको इसी लैपटॉप में देखने को मिलने वाला है, पर तो भी ये दूसरे नंबर पे है, उसका रीज़न मैं आपको आगे चल के बताने वाला हूँ। जहाँ पे ये 4GB रैम लेके आता है, 1TB हार्ड डिस्क लेके आता है, बाकी 180 डिग्रीज का स्क्रीन फ्लिप हो सकता है, चिकलेट कीबोर्ड है, डॉल्बी स्पीकर्स है, बट अगेन लेनोवो के डॉल्बी स्पीकर उतने भी कुछ खास नहीं होते हैं। बाकी सारे टाइप के पोर्ट्स यूजुअली आपको यहाँ पे भी नहीं मिल रहा है, इथरनेट पोर्ट नहीं है, सी टाइप का पोर्ट नहीं है, कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़ते हैं। बाकी 6 घंटा का यहाँ पे बैटरी बैकअप बताया जा रहा है जो अगेन बहुत ज़्यादा है, आपको 3 से 4 घंटे का देखने को मिल जाएगा। और इसके प्राइस के बारे में बात करें तो 26,900 रुपीज़ आपको इसका देखने को मिल जाएगा, अगेन कार्ड ऑफर्स वगैरह अगर आप लगाते हो तो 25,000 के आसपास मिल जाएगा।
जहाँ पे जो मैंने आपको एक रीज़न बताने वाला था कि ये दूसरे नंबर में क्यों है, वो बस सिंपल है कि आपको यहाँ पे विंडोज़ नहीं मिलता, ये अपने साथ डॉस लेके आता है, तो आपको विंडोज़ का जुगाड़ अपने से अलग से करना होगा। मे बी ऑब्वियसली आप क्रैक डालोगे क्योंकि परचेज एडिशन ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा महंगा पड़ जाएगा और आपका बजट के ऊपर चला जाएगा, तो ऑब्वियसली आप क्रैक वगैरह डालना होगा। अगर वो आपको पहले से आता है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, अगर नहीं आता तो आपको अलग अलग जगह जाके उस पर कराना पड़ेगा अगर आप इसे ऑनलाइन परचेस करते हो। अगर आप इसे स्टोर से परचेस करें ऑब्वियसली आपको वो विंडोज़ 10 डाल के दे देंगे क्रैक वर्जन, बट यार तो भी इसमें डॉस है और कुछ लोगों को उससे प्रॉब्लम हो सकता है जिसके कारण ये दूसरे नंबर पे। एंड मैं भी प्रेफर करूंगा कि विंडोज़ पहले से प्री इंस्टॉल मिले, जो यहाँ पे नहीं मिल रहा जिसके कारण ये दूसरे नंबर पे है। अगर यहाँ पे विंडोज़ 10 मिल रहा होता प्री इंस्टॉल तो ये नंबर 1 में होता नो डाउट, हार्डवेयर एंड स्पेक्स के हिसाब से एंड परफॉर्मेंस के हिसाब से ये काफ़ी अच्छा लैपटॉप है, ये सबसे बेस्ट लैपटॉप है जो आपको इस सेगमेंट में देखने को मिल सकता है। जहाँ पे उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं नंबर 1 लैपटॉप पे जो आता है अगेन आसूस की तरफ से, आसूस सेलेरॉन 1.9 kg के आसपास कुछ वेट मिल जाता है, 15.6 इंच का HD डिस्प्ले लेके आता है और ये ऑब्वियसली 2 कोर्स का ही ये प्रोसेसर है। अगेन जहाँ पे आपको 2.8 GHz तक का क्लॉक स्पीड देखने को मिल जाएगा, बाकी 4 GB रैम है, 1 TB हार्ड डिस्क है, विंडोज 10 अपने साथ लेके आता है, उसके साथ में ये स्टीरियो स्पीकर लेके आ जाता है जो अगेन इस टाइप के लैपटॉप में इस सेगमेंट में उतने कमाल के भी देखने को नहीं मिलेंगे। चिकलेट कीबोर्ड है, 3.2 यहाँ पे आपको फर्स्ट जनरेशन पोर्ट मिल जाता है, टाइप ए का ही देखने को मिलेगा, सी टाइप यहाँ पे पोर्ट नहीं है, इथरनेट पोर्ट भी नहीं है। अगेन इस टाइप के बजट सेगमेंट में आपको थोड़े बहुत चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ती है, जैसे कि HD डिस्प्ले हो गया, पोर्ट्स का कुछ सारा कमी हो गया, स्टोरेज भी उतने अच्छे कुछ नहीं मिलते हैं, ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है। बट अगर प्राइस बढ़ा सकते हो तो और भी अच्छे अच्छे लैपटॉप्स हैं और हमने उस प्राइस में भी ये लिस्ट बना रखी है, आप जाके देख सकते हो। जब इसके प्राइस के बारे में बात करें तो 23,990 rupees यानी 24,000 का लैपटॉप है, फ्लिपकार्ट में आपको देखने को मिल जाएगा, इसका भी प्राइसिंग काफ़ी ज़्यादा सही है। और अगर कार्ड वगैरह ऑफर आप लगाते हो तो फ्लिपकार्ट में आई थिंक अराउंड कुछ 1500 rupees आप ऑफ कर सकते हो, अगर आपके वो कार्ड है जिसमें ऑफर चल रहा है तो आप और भी कम प्राइस में से परचेस कर सकते हो। वैसे मैंने सारे लैपटॉप्स के बेस्ट बाय लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए थे, आप ज़रूर से चेकआउट कर सकते हो। और आसूस क्रोमबुक का आप चाहे तो HD वर्जन भी देख सकते हो जो HD डिस्प्ले के साथ में आता है, वो आपको और कम कीमत में मिल जाएगा। बट आप क्रोम OS में तभी जाना अगर आपको बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा यूजेज है जिसमें आपको कुछ विंडोज़ के सॉफ्टवेयर ना लगे तभी आप उसमें जाना, वरना क्रोम OS रिकमेंडेड नहीं है। और अगर आप विंडोज़ को अलग से इंस्टॉल करवा सकते हो, आपको कोई भी दिक्कत नहीं है, तो Lenovo V15 इज द वन द बेस्ट लैपटॉप जो आपको सेगमेंट में मिल सकता है परफॉर्मेंस वाइज, वो Lenovo V15 है। आप मेरा वीडियो भी जाके देख लो, उससे आपको थोड़ा और आइडिया हो जाएगा अनबॉक्सिंग वाला अगर आप वीडियो देख लेते हो। तो वैसे यही सब था इस पांचवें लैपटॉप की कहानी। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो पसंद आएगा वीडियो को लाइक कर देना और नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना आपके थॉट्स इस सारे लैपटॉप्स के बारे में। कुछ भी डाउट है वो आप नीचे मुझसे पूछ सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, सबको मैं रिप्लाई कर दूंगा। तो बस यही सब था आज के लिए, सो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो सून।